तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल WWE डेली में। तो आप सब जानते हैं एलिमिनेशन चैम्बर 2024 के मेंस मैच में हमें देखने को मिला कि ड्रू मैकइंटायर मैच को जीत चुके हैं और वो चैलेंज करने वाले सेथ रॉलिंस को फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 40। ये मैच भी कंफर्म हो चुका है, लेकिन इस मैच में काफ़ी बड़े ट्विस्ट आ सकते हैं जहाँ पर CM Punk भी इस मैच में इन्वॉल्व होंगे। आप सब जानते हैं CM Punk इंजर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर वो एज ए स्पेशल गेस्ट रेफरी हमें देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली स्पेकुलेशन या फिर रूमर्स आ रहे हैं कि CM Punk को WWE यूज़ करना चाहती है, इस वजह से वो इस मैच में ऐसे स्पेशल गेस्ट रेफरी हमें देखने को मिल सकते हैं। और इस बात की सेंस भी बनती है क्योंकि दोनों सुपरस्टार की कहीं ना कहीं CM Punk से इन फ्यूचर राइवलरी होने वाली है। CM Punk वर्सेस Seth Rollins तो ऑलरेडी कन्फर्म भी था कि वो रेसलमेनिया में होगा, लेकिन इंजरी की वजह से प्लान्स बदल दिए गए और ड्रू मैकइंटायर भी लगातार CM Punk के पीछे पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर WWE स्टोरी लाइन के हिसाब से बिल्कुल सेंस बनाती है अगर यहाँ पर CM Punk ऐसे स्पेशल गेस्ट रेफरी आते हैं। और कुछ टाइम पहले भी अपडेट आई थी कि WWE CM Punk को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहती है रोड टू रेसलमेनिया में, क्योंकि CM Punk काफ़ी लंबे टाइम बाद WWE में आए हैं। तो CM Punk भी चाहेंगे वो WWE के साथ इन्वॉल्व रहें। WWE के प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट में भी CM Punk थे, तो ऐसे में अगर CM Punk इस मैच में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ज़्यादा कुछ सरप्राइज़ किसी के लिए नहीं होगा और इस मैच की जो स्टार पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से WWE का सही डिसीजन होगा अगर CM Punk यहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी बनकर आते हैं। उसके बाद सवाल ये काफ़ी बड़ा होगा कि आखिर CM Punk किस सुपरस्टार की हेल्प करेंगे, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं WWE में फिलहाल उनके दुश्मन बने हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स मुझे आप बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में।